एक लड़के को जन्म दिया है, ठीक है। अरे ठाकुर साहब, तब तो इस किसी के स्वार होने चाहिए। कुछ नहीं, चंपा भाई और इसके साथ इस नाचने वाले को इसका इनाम दो और अपने कोठे पर जाए, ठीक है। बहुत बड़ा इनाम लूंगी क्योंकि ठाकुर साहब के लड़की हुई है। हाँ तो इसके बदले में बहुत बड़ा इनाम लूंगी। कोई बात नहीं, जो चाहोगी वो मिलेगा हवेली के अंदर से। मैं बोला ले जाओ, समय को देखते हुए काम करना है, समय कम है काम ज्यादा है। चाहिए तुम दोनों मेरा साथ आइए, अपना ही मान लीजिए। शीला ने एक पुत्री को जन्म दिया है, जी हाँ, और उधर सपना ने एक बेटे को जन्म दिया है। एक काम करो, कहिए, और चलते हैं हवेली के अंदर। चलिए, और हम शीला से कहेंगे कि हमें हम पुत्री को देखना चाहते हैं, ठीक है, और उसी बहाने से हम उसकी पुत्री को छीन लूंगा। और तुम उस पुत्री को ले जाना, पिया बार जंगल में फेंक देना, और हम शीला को गोली मार दूंगा और शीला की रक्त हवेली के अंदर दफन करवा दूंगा। ठाकुर रघुवीर सिंह का खून इस हवेली के अंदर नहीं पड़ेगा, ठीक है। समय कम है, काम ज्यादा है, आइए हवेली के जल कर। चलिए ठाकुर साहब, भैया कार्यकर्ता लोग कहा है भैया, जो ठंडी ज्यादा है कुछ तपता जो लोग क्यों है यार। अरे स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारी है मेरी ससुराल, अब हम पर है बरसताई ही काज ससुर का प्यार मेरी ससुराल। मुझे बच्चे दिया हाँ भाभी, लेकिन स्वामी जी अभी तक वापस नहीं आए। बैठिए, आते हो गए। हमें शीला की पुत्री को तुमने जन्म दिया है, हमने सोचा हमारे भाई की लड़की है, हमारे खानदान का खून है, हम उसे खोज में लेकर देखना चाहता है। लेकिन चतर सिंह ये हमारे छोटे भाई की धर्म पत्नी है, हम उसे छू नहीं सकते, इसलिए बच्चे को तुम ले लो। चाचा सिंह वाकई में इस पुत्री की साथ हमारे भाई रघुवीर सिंह हुआ शीला पर है, बहुत अच्छे है, भगवान ने सुन लिया है। अब माधवपुर हवेली जो सुनी थी, आज से इस माधवपुर हवेली में कोई चिड़ा चलाने वाला पैदा तो हुआ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। चाचा सिंह इस पुत्री को तुम वहीं ले जाओ जहाँ हमने कहा है, हम इस पुत्री के
इसको पहचान देना चाहता है। जो पीछे वाला गेट है तुम वहां पर ड्यूटी दो, जब जरूरत होगी तो मैं बुला लेंगे। चाहिए अच्छी बात क्या किया? क्या उपहार देना चाहते? देखिए 12 वर्ष तक तुमने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, इसीलिए हमारी हवेली सुनी थी और तुमने इजाजत दिया कि रघुवीर सिंह चाहे दूसरी शादी कर लो, तो रघुवीर सिंह ने दूसरी शादी कर लिया। और शायद तुम्हें बात नहीं मालूम कि सपना ने एक लड़के को जन्म दिया है। सपना और रघुवीर सिंह इस समय फार्म हाउस पर है, तुमने उसे इजाजत देकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारा है, इसीलिए रघुवीर सिंह हवेली में नहीं आ रहा है। तुम्हारी वजह से हमारा भाई रघुवीर सिंह और सपना उस हवेली में गिर जा रहे हैं। तो भाई हवेली के अंदर रहता था, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छी नींद सोता था, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा भाई चल बदल की ठोकर खा रहा है। इसलिए सपना वहां पर है और शीला तुम्हारी वजह से हमारा भाई दुख उठा रहा, इसलिए आज हम तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम यही पुत्री पहले जन्म देती तो हमारा भाई हवेली के अंदर होता, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं शीला, तुमने इस पुत्री को जन्म देकर बहुत गलत किया है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चालू है तुम्हारी गलती हमारे दिमाग में खटक रही है, कसम हमारे की अगर हमारे तुम्हारे परिवार का सत्यानाश न कर दिया तो हमारा विनाम ठाकुर जसपाल सिंह है। ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। सीला की लाश उठाओ और हवेली के उस पीछे वाले फाटक के नीचे दफन कर दो। ठीक है बाबू साहब। ले तुम्हारी वह सपना की बारी, तुम्हारा इल्जाम हमने तुम्हारी पत्नी पर लगाया है कि तुम्हारी वजह से हमारे भाई ठोकरें खा रहा है, लेकिन ये शीला को नहीं मालूम कि रघुवीर सिंह और जसपाल सिंह में दुश्मनी है। थमा रहे रघुवीर सिंह, अब मैं तुम्हारे पास आ ये ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी है, मैं इसे सोच रहा हूँ, मैं अपने हाथों से इसे नहीं पाऊंगा वरना पता लग जाएगी मुझे, इसलिए हम इसे इसी जंगल में किसी किनारे पर छोड़ दे रहे हैं और जंगली जानवर आकर इसे नौजवान का खुद खा जाएंगे, इसके लाश का भी कोई पता नहीं पाएगा। चलिए हम लोग इसे यहीं पर रखकर चले चलते हैं। हेलो हाथ भाइयों, तमाशे पर ध्यान दीजिए। इधर जगदा सिंह छोटी बच्ची को फेंकने के लिए बात कर रहा था, उधर उसी रास्ते से चंपाबाई मुजरा करने के बाद अपने घर जा रहे थे। उधर चंपाबाई की नजर उसी बच्ची पे पड़ती है, चंपाबाई जब बच्ची को उठाती है उसने मन में क्या सोचती है? आए भाई, क्या कोई बच्चा रो रहा है? इतने
तुम्हारे पास कोई नहीं है? प्रकाश जहाँ कहीं भी हो सिंगार घर में तुरंत पहुंचे। प्रकाश कोई लड़का ओल्डर लड़की थी, तुमने भगवान से कितनी बड़ी मिन्नतें की, मिन्नतें करते करते ऊपर वाले ने आज तुम्हारी गोद भर दी, ये नीचे दी थी। जी हाँ, तुम सच कह रहे हो। और इसके लिए जाकर पहले मेरी बात सुनो, जो तुम काम कर रही हो और मैं कर रही हूं इसे इसको मत सिखाना, इससे बहुत दूर रखना, ठीक है ना? इसे ले जाकर इसे पढ़ाओ लिखाओ खूब अच्छे से, सभी पास हो जाए तो इसे वकालत पढ़ाएंगे और इसे एक वकील बनाओ। तुम्हारे पीछे मैं भी सहारा दूंगी, तुम घबराओ नहीं, ठीक? और चलिए। हेलो 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 बबुल मास्टर, भैया जहाँ कहीं भी हो श्रृंगार घर में तुरंत पहुंचे। और क्या चाहे वो
क्या कहना चाहते हो? मान लिया मैंने,
पाले पर में भगवान कृष्ण ने दास को मार दिया। जी हाँ, वो भी अवतारित थे। अवतारित थे, जरा सोचो। मैंने सोच लिया वो अवतारित थे तो फिर भी एक छत्री थे, और छत्री के अगर सीने में छत्री है तो उसका लहू जरूर फटेगा। इसलिए अगर मेरी हिम्मती मानो तो मैं आपके साथ वैसे तुम्हें छतरी के बालक बालक हम तुम्हें मनाना करते हैं, लेकिन अभी तुम्हारी उम्र सरकार के लायक नहीं है, इसलिए तुम मेरा कहना मानो, फार्म हाउस में अपनी माँ के साथ रहो, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। एक ही चीज से तुम्हें मजबूर हो गया, मुझे पढ़ाई बेटा। अमर अमर, ये तुम्हारे दादाजी के परम मित्र हैं, इसे प्रणाम करो। हाँ, फिर सिंह आपका बेटा जवान हो गया। हाँ जगदा सिंह, लेकिन ये बताओ ये बात बेटे में कौन सी बहस जारी है? बहस से बात की जा रही है कि आज मैंने अपने दिल में सोचा कि मन भरे वाले जंगल में जाकर कर शिकार किया। जब इस बात को मैंने अपनी अपनी सपना से कहा तो सामने से ठीक हो गई। अच्छा, तो ये कह रही है कि सामने ठीक हो गई है, ये अस्कुल हो गया आपका जाना खतरनाक। इसी बात को लेकर के हमको समझा रहे थे। अमर घबरा गया कि जरूर कोई बात होगी। अरे पहला के नाम भी आपके साथ चला, ये मेरी रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए। ये तो सोचने वाली बात है बेटे। अमर देखिए, रघुवीर सिंह की तुम्हें रक्षा करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं, उसके बाजू में बहुत ताकत। चाचा जी कहिए, लेकिन आप पिताजी के साथ नहीं जाओगे शिकार खेलने तो क्या करूंगा? आप अपने कार्य की पढ़ाई पूरा करें, मैं मानता हूं। पढ़ाई करने के बाद मैं 4 बजे लौट कर आऊंगा। क्या मैं शिकार खेलने जाऊंगा? मैंने कहा तुम अपनी पढ़ाई पूरा करो, तुम्हें शिकार खेलने की कोई जरूरत नहीं। चलो ठीक है, आपकी बात है। अगर आपकी मर्जी तो मैं शुरू पढ़ाई करने जाऊंगा। ठीक है, लेकिन पिताजी अभी एक बात बाकी है, उसको अंत में कहेंगे। ठीक है भैया रघुवीर सिंह, ठीक है मैं जा रहा हूं, क्योंकि मैं सुबह का निकला हूं, रियासत की तरफ गया था, और अगर मैं टाइम से पहुंचूंगा नहीं तो बड़े भैया की डांट मुझे भी सुनना पड़ेगी। ठीक है, जब कहा था और बड़े भैया से हमारा प्रणाम कहना। ठीक है ठीक है ठीक है, अवश्य कहूंगा। ठीक है, अच्छा सरवण सरवण भाई बाबा का बुलवा, जहां कहीं भी हो बबलू भाई से आकर मिले। सरवण भाई बाबा का बुलवा।